पाकिस्तान के खिलाफ मैच से ठीक पहले सूर्य कुमार यादव की पूरी टीम पाकिस्तान को खुली चेतावनी। जी हां दोस्तों, क्या कुछ कहा है सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान टीम को लेकर, बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हो टीम इंडिया के फैन और सूर्य कुमार यादव को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एशिया कप 2022 का बिगुल बज चुका है। अब से कुछ ही दिनों के बाद हमें एशिया कप की शुरुआत होती हुई नजर आने वाली है। आपको बता दें कि एशिया कप की शुरुआत इसी हफ्ते के आखिर में होने वाली है। एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त से यूएई की सरजमी पर होने वाली है, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाएगा। पहले एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले से पहले ही अब जुबानी जंग चालू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान टीम को लेकर खुली चेतावनी दे दी है। दरअसल सूर्य कुमार यादव का मानना है कि हम पाकिस्तान टीम को आसानी से हरा देंगे। उन्होंने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में हमें पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था, अब बारी है बदला चुकता करने की। यानी कि ऐसे में ये तो साफ है कि सूर्य कुमार यादव ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि एशिया कप में वो अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान टीम को पटकनी देने वाले हैं। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव IPL के बाद से ही टीम इंडिया के साथ हैं और वो लगातार टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। अब ऐसे में एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल भी किया गया है। सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर माने जाते हैं, यह मैदान के हर दिशा में शॉट लगाने के लिए माहिर हैं। ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव की पाकिस्तान के लिए ये चेतावनी कहीं पाकिस्तान पर भारी न पड़ जाए। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाना है। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि इस मुकाबले का टॉस हमें शाम 7 बजे देखने को मिलने वाला है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।